पनामा जीआईटी के बारे में मैं एक बात बड़ी क्लियर दबंग तरीके से दो टोक अंदाज के साथ कौम को बताना चाहता हूं। मुझे हैरत होगी, बड़ी हैरत होगी उस शख्स से जो इस जीआईटी से किसी खैर की तवक्को रख के बैठा हो। ये जीआईटी पनामा जीआईटी नून लीग का इलेक्शन सेल है। मेरी बात मैं दोहरा रहा हूं, पनामा जीआईटी नून लीग का इलेक्शन सेल है। इस जीआईटी के जरिए 2018 के नून लीग के इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, नून लीग के 2018 के इलेक्शन का नारा तैयार हो रहा है, जो लेकर नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे, नारा लगाएंगे। जीआईटी उनके इलेक्शन सेल के तौर पर 2018 की इलेक्शन कंपेन तैयार कर रहा है। हम हर एक के साथ रابطے में हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब रابطے में हैं, और पार्टीज कुछ मेरे साथ भी रابطے में हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो तमाम पार्टीज जो इस फिरौनी तख्त के खिलाफ हैं, जो जुल्म और जबर और करप्शन की इंतहा के खिलाफ हैं, वो सिंगल पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठे हों। और सिंगल पॉइंट एजेंडा इनको इकट्ठा करने पर जो भी रोल मैं प्ले कर सकता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं प्ले करूंगा। ये तासुर दिया जाए झूठा कि जीआईटी तो को बड़ी बड़ी बेरहमी के तरीके से डील कर रही है, ये सारा एक ड्रामा है। इस मुल्क के 20 करोड़ आवाम के साथ एक तमाशा है। इस मुल्क के नौकरों के मुलाजमों के जो जीआईटी में बैठे हैं, किसी की जुरत है कि उसको तनहा एक कुर्सी मेज पर बैठा सके? ये उनके नौकर हैं, जूतों की पॉलिश करने वाले हैं।